Hi. Hi, John. आमिर, तुमने अभी तक नहीं ठीक कराई। करा लूंगा जान, इन अ डे और टू। यू स्मेल नाइस। आई एम सेइंग समथिंग टू यू अबाउट द सीट बेल्ट। आई नो यू आर जान। कुछ दिनों में सही हो जाएगी। व्हाट डू यू वांट मी टू से? अब नहीं सही तो क्या कहूँ? सो कैन आई आस्क हाउ वाज द प्रोजेक्ट? I didn't get the role. उन्होंने किसी और लड़की को दे दिया। What? I thought you'd already signed the contract. What does the contract have to do with anything? The contract is as good as the shitty paper it's written on. I don't know how you do it. I don't know how I do it. I don't even know why I do it anymore. कोई reason तो दिया होगा उन्हें। I think I know मुझे क्यों नहीं मिला। पैसे ज्यादा मांग रही थी, डेट्स का इशू था। नहीं, ऑडिशन खराब गई थी। ऑडिशन का क्या ताल्लुक है? तुम्हें पता है ऑडिशंस नहीं होती, तुम इतने स्टूपिड सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो देन व्हाट? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेट्स जस्ट ड्रॉप द सब्जेक्ट। ओके, मेहंदी पे जाना है ना तुम्हें फिर? या श्योर, व्हाटएवर, हम जा ही रहे हैं ना। I'm such a mess. I feel so bad. मुझे लगता है कि तुम्हारे पर मैं इतना लीन करती हूँ इमोशनली। I rely on you all the time when I'm feeling down, and it just makes me feel so bad. Makes me feel. John, that's what I'm here for. What do you mean? That's my job. अब तो मुझे देख लो, सुबह अम्मी के ताने सुन के मैं काम पे जाता हूँ। वही 7 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं पैसे बनाता हूँ। दोपहर को हमेशा मेरी शुगर डाउन हो जाती है और वही 7 बिस्किट मैं खाता हूँ। इट्स अ रूटीन, इट्स बोरिंग, इट्स प्रिडिक्टेबल, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स ईजी। और तुम देखो, everything is so uncertain, so unpredictable. कुत्तों की तरह तुम्हारे से काम करवाते हैं, खाना तुम्हें देते नहीं है, और सांस लेने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। शायद इसीलिए शादीशुदा लड़कियां जो हैं वो फिर एक्टिंग का काम छोड़ देती हैं। या बट काफी दफा मैं सोचती हूँ कि मुझे भी बाकियों की तरह कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज, यू आर टैलेंटेड। And it's not like you're not getting any work. वो fairness cream का ad जो last month तुमने खुद ही मना किया था, you just need to stick to it and keep at it. Yeah, but you remember when the producer called me 2 weeks ago and we both said that he sounded really nice. Yeah. Yeah, so his assistant called me and said actually the actor wanted to work with another actress, and obviously actor ने director से बात की होगी, and I never heard back. Men can always bro it out with each other. Seen that before. अगर मैं सिंगल होती ना, I would have just flirted with him. I would have just done it. क्या? What are you saying? I'm not saying I did it or that I'm going to do it. It's just. But how? That's disgusting. How could you even think it? तुम कह भी किस तरह सकती हो ये चीज़? Amir, it was just a stupid hypothetical. I don't mean it. माफ कर दो मुझे बीबी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान। जाओ तुम, flirt, flirt with everybody you want, flirt as much as you want. आमिर, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? I'm sitting here with you. I'm clearly not single. You clearly want to be single. आमिर, words have consequences, आलिया. You're an actress. You of all people should know that. और मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहता हूँ। कई दफा मुझे लगता है कि मेरी माँ सही कहती हैं। क्या कहती है तुम्हारी माँ? कि all actresses are the same. कोई दीन ईमान नहीं, कोई मॉरल्स नहीं,
पैसे और शोहरत के लिए कुछ भी बेच डालेंगी। एक्चुअली स्टूपिड तो मैं हूँ जो हर वक्त अपनी अम्मी को कहती हूँ कि नहीं एक्चुअली आमिर और आमिर की फैमिली डिफरेंट है, ये लोग जजमेंटल नहीं है। हाँ मेरी फैमिली जजमेंटल है, मैं जजमेंटल हूँ। When you're imagining sticking your tongue down another man's throat. Tongue कहाँ से आ गई? Are you mad? Oh, for God's sake, Amir! You're telling us to stop. Can you please stop? Fuck. Okay, let me handle this. Yeah, I don't have any money anyway. Lassa. ये तो स्पैर हो चुका है। अच्छा ये आप आईडी पे काट लें। बीबी आपको मैंने कहीं देखा है, आप ड्रामों में आती हैं? जी मेरी बेटी आपको पसंद करती हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी लिए आप वीडियो दे सकती हैं? जी जरूर। आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है नूर बानो। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम नूर बानो, मेरी मुलाकात आज आपके पापा एक बार फिर करेंगे। ऑन हो गया। ओके अस्सलाम वालेकुम नूर बानो, आज मेरी मुलाकात आपके पापा से हुई और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपके पापा बहुत अच्छा चालान काटते हैं और उनसे मिलकर मुझे इतना फ़ख्र हुआ अपने मुल्क पर कि ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स हैं। आपको भी अपने पापा पर बहुत फ़ख्र करना चाहिए और आपके लिए नूर बानो बहुत सारा लक और लव, ढेर सारा प्यार। लव यू। आपको माफ़ किया, आप जाएं। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, थैंक यू। आलिया लोग यही है ना फेयरनेस क्रीम पैच जिसे उन्होंने मना कर दिया था। या लुक एट इट, so funny. हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको और भी मूरू और मीरा की कहानियां पहुंचा सके। खुदा हाफिज़।